मैं यहाँ तुम लोगों के आंसू पोंछ रहा हूँ और वहां तुम्हारी बहन अपने आशिक के साथ भाग गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तुम लोग करते रहे हो मेरे साथ, धोखा देते रहे हो मुझे। तुम सब जानते थे कि उसका चक्कर चला किसी के साथ। नहीं बेटा, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। खला आप बीच में मत बोले वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा क्या रिश्ता है आपसे। तमीज से बात करो, समझे? तमीज से तुम रहो। और आप पूछे जाके अपने इंस्पेक्टर कजन से कि वो अकेली भागी है किसी के साथ। ये एक तस्वीर आपके इंस्पेक्टर कजन ने भेजी है मुझे, देखे। देखो तुम, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ऐसी आपकी बेटी? बकार है वो, बहुत शरीफ और मासूम बनती थी। मैं पागलों की तरह उसको ढूंढता रहा और वो आज से आप सब लोग मर गए मेरे लिए। इतनी रात हो गई है, इसे कोई करता है भला? घर में उसकी मंगनी की तकरीब हो रही है, वो अचानक उठा और गायब हो गया। अम्मा किसी काम से गया होगा ना, कुछ हुआ होगा तभी तो गया है। आप बजाय उसकी फिक्र करने के उसपे नाराज हो रही है। आपको पता तो है कि वो गैर जिम्मेदार तो है नहीं, आ जाएगा। ये देखे आ गया। हाँ भाई, कहाँ थे, क्या हुआ था? बताता हूँ, आ जाएं बॉस। ये यहाँ क्या कर रही है? आप लोग बैठे, मैं बताता हूँ। बैठने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बताओ। अच्छा बता रहा हूँ, बॉस ने घर छोड़ दिया है। ये उससे शादी नहीं करना चाहती थी जिनसे वो करा रहे थे, तो मैं नहीं आ ले आया। भगा के? ये तुम क्यों बोले जा रही हो? तुमसे बात करो, मैं चुप हो जाओ, तुमसे क्या ताल्लुक? मेरी नन से यहाँ मंगनी करके गए हो और वापसी में इसे लेकर आए हो और कह रहे हो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वाह भाई वाह।